तो दोस्तों बिहार में 45 विभाग है और हम आपको बताएंगे कि आखिर इस 45 विभागों में किस विभाग में कितने पद खाली हैं। तो आपको बता दूं कि जैसे कि पहले से कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिहार में बड़ी संख्या में सरकारी वैकेंसी आएगी। अब इसको लेकर के राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की ओर से कवायद भी शुरू कर दी गई है। विभागों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले राज्य भर से अधिकांश विभागों में खाली पड़े पदों की संख्या बढ़ने का ब्यौरा जुटा लिया है। बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के अनुसार एक एक करके बारी बारी से वैकेंसियां निकाली जाएगी। इन रिक्तियों के अनुसार सबसे अधिक शिक्षा विभाग में पद खाली हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है। कुल 4,72,976 पदों की सूचना उपलब्ध की गई है। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग में 2,17,571 पद खाली हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग में 65,734 पद खाली है, जबकि गृह विभाग में 41,414 पद खाली है। ग्रामीण विकास विभाग में 11,784 पद खाली है। इसी प्रकार नगर विकास आवास विभाग में 1,948 पद खाली है। पंचायत राज विभाग में 5,551 पद खाली हैं। कृषि विभाग में 3,015 पद खाली हैं। पशु एवं मत्स्य संशोधन विभाग में 4,814 पद खाली हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 762 पद खाली हैं। भवन निर्माण विभाग में 3,828 पद खाली हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में 2,994 पद खाली हैं। वाणिज्य कर विभाग में 1,489 पद खाली हैं। सहकारिता विभाग में 216 पद खाली हैं। आपदा प्रबंधन विभाग में 1,065 पद खाली हैं। निर्वाचन विभाग में 25 पद, ऊर्जा विभाग में 5,563 पद, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग में 2,520 पद खाली हैं।